फाइनली दोस्तों हमने देखिए इस सिंप्लीफायर को कंप्लीट कर लिया है। ये वही ज्योति कंपनी का है जो हमने कबाड़ चलाया था, आप लोगों को दिखाया था ना, 100 वाट ज्योति JBS 100 वाट, और सभी वॉल्यूम्स लगाए हैं। इसका नॉब नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए इसका इंटरनल कैसे कैसे कनेक्शन हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डायग्राम के साथ ही पेपर पर बता सकता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कॉमन 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, और ये लोड रेजिस्टेंस है 800 ओम, देख सकते हैं 800 ओम 15 वाट में है। हालांकि 1 किलो ओम्स होता है 5 वाट में, लेकिन हमने 800 ओम 15 वाट में लगाया है। इसका कनेक्शन पेपर पर बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं इसका टेस्टिंग दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं सामने स्पीकर लगा हुआ है 12 इंच का, 200 वाट में है, और 4 ट्रांजिस्टर वेल के 3773 पीछे लगाए गए हैं, वो भी मैं दिखा दूँ। ओरिजिनल वेल के 3773 4 पीस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बारी बारी से चारों ट्रांजिस्टर है। वाइसिंग वोल्टेज देखिए, इतना रेजिस्टेंस हमने चेक किया है, ये सभी पुराने रेजिस्टेंस हीट होने की वजह से इनका वैल्यू थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है। देख लीजिए बहुत सारा रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो इसमें कोई कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन हमने 7805 से इसका वाइसिंग वोल्टेज बनाया है, 7805 से वाइसिंग वोल्टेज बनाया है। आप देख सकते हैं, हालांकि ये दिखेगा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। पाँच ओम 5 वाट, ये भी डायग्राम के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। आज देख लीजिए इसका टेस्टिंग। तो चलिए स्विच ऑन करते हैं, और आ चुका है, देखिए LED जल चुकी है। इसमें थोड़ा सा हमिंग है, तो हमिंग को कैसे दूर करेंगे इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थोड़ा सा हमिंग है इसमें, तो ये माइक है और ये वैल्यूम है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सॉकेट इन हुआ है और ये माइक का वैल्यूम है। थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाएंगे, आप साउंड सुन सकते हैं। हेलो 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 हेलो, तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का इसका साउंड बना है। सॉन्ग भी मैं आपको बजा करके सुना देता, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका डायग्राम एक पेपर पर पूरा डायग्राम ए से लेकर जेड तक कैसे कैसे कहाँ क्या कनेक्शन हुआ है सबको मैं दिखाऊंगा, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के माध्यम से कैसे बनाया जाता है आपको मैं दिखा दूंगा। इसका वोल्टेज आज मैं चेक करा दूँ, 200 वोल्ट DC में मल्टीमीटर सेट करने के बाद मैं इसका, देखिए कितना वोल्टेज बना रहा है DC, आप देख लीजिएगा, देख लीजिए 31 वोल्ट बनाया है। हालांकि 24024 से ये जो मेन AC ट्रांसफार्मर है 24024 का है, लेकिन कंडेंसर हमने कुल मिलाकर 20,000 माइक्रोफैराड लगाया 31 वोल्ट, यानी 24 वोल्ट से 31 वोल्ट या 30 वोल्ट मान लीजिए 6 या 7 वोल्ट एक्स्ट्रा अपने पास रख रहा है, क्योंकि लोड पर दबेगा नहीं। अब वाइसिंग वोल्टेज आपको चेक करा दूं। वाइसिंग वोल्टेज के लिए आपको 20 वोल्ट DC सेट करना होगा, और देख लीजिए इसका वाइसिंग वोल्टेज 10.58 बन रहा है, 10.58, हालांकि 10.50 बनना चाहिए, ये भी चलेगा, लेकिन हमिंग है और बना है 7805 से, आप देख लीजिएगा। चार 4.94 यानी 5 वोल्ट के आसपास आया हुआ है, और 5 वोल्ट से ही हम वाइसिंग वोल्टेज यहाँ 10.57-58 बन रहा है। अब इसके बोर्ड का वोल्टेज मैं आपको दिखा दूँ। बेस्ट एवल बोर्ड में जो वोल्टेज गया हुआ है, यहाँ से प्लस दिया गया है 12 वोल्ट, इसके लिए 11.60 यानी आधा वोल्ट लोड पर ड्रॉप कर चुका है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए 7812 का प्रयोग किया है। इस बेस ट्रेवल और माइक को चलाने के लिए 7812 और बाइसिंग वोल्टेज के लिए 7805। तो इसका फुल कनेक्शन पेपर के साथ हम आपको दिखाएंगे, और 7805 और 7812 देखिए यहाँ हमने सेट किया है इतने बड़े हीट सिंक पर, ताकि ये लोड पड़ने पर हीट होता है। 7805 हीट होगा, और इस जो हीट सिंक लगा है एलुमिनियम का, इसे हीट होने से और जलने से रोकेगा। तो आज की वीडियो यहीं रही, और टेस्टिंग की वीडियो थोड़ा सा सॉन्ग आपको सुना दूँ। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ कोड इन किया गया है, और ये कोड का वायर यहाँ से जाते हुए यही है ये वायर, और इस मोबाइल में गया हुआ है, तो इसको मैं प्ले करूँगा। सॉन्ग प्ले हो चुका है, आप देख सकते हैं।